दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। खैर इंट्रो बोल बोल के ना बड़ा बोर हो चुका हूँ, सजेस्ट जरूर करना कमेंट बॉक्स में नया किस टाइप कर लो। एनी हो, इंट्रो के बारे में बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेजिटेरियन हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर पे जो आपकी चीजें होती हैं उनको अच्छे से कंबाइन करके एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस मील बना सकते हो, जो कि आप सुबह सुबह खाओ तो आपको आपकी हेल्थ बेनिफिट्स में अच्छा फायदा होगा और आपको जिम में भी अच्छा पुश करने में हेल्प करेगा। तो मैं फूड बाय फूड बताऊंगा क्या चीज़ है, क्यों खा रहे हैं। अब सबसे पहले देख सकता है तो ये बेसिकली बेस है मेरे मील का। तो इसमें क्या है, बेसिकली स्प्राउट्स हैं और स्प्राउट्स इसमें दो तीन अलग अलग दालें मिक्स की हुई हैं, मूंग है, चने हैं, आई गेस दो ही हैं। तो इनको स्प्राउट करके हमने रखा हुआ है, हमारे मील का बेस बनाया हुआ है। अब स्प्राउट्स क्यों खाने चाहिए दोस्तों, प्रोटीन कार्ब्स फैट्स इनका सबको पता है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, तभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स इतने पॉपुलर है। लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारा ऑप्टिमल हार्मोनल फंक्शन कैसे होता है, तो प्रोटीन के बारे में ये है कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बेसिकली कन्वर्ट होता है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन पॉइंट इन केस बीइंग, अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ढंग से नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें हमें अच्छे सारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रखते हैं और ओवरऑल हमें हेल्दी रखते हैं। पहला ये हो गया। अब जो सेकंड है, आप देख सकते हो बेसिकली मस्क मेलन है। अब मस्क मेलन में क्यों डाल रहा हूँ, मस्क मेलन में बेसिकली क्या करना है, ये वाइटामिन सी, आई गेस वाइटामिन B6, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इफ नॉट वेरी श्योर, लेकिन इनका मैग्नीशियम का अच्छा रिसोर्स है इन तीनों चीज़ों का। अब आप में से काफी सारे लोग ZMA खाते होंगे जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर माना जाता है, तो उसमें जिंक और मैग्नीशियम खास रीजन है डालने का, क्यों, क्योंकि दोनों हमारे हेल्दी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और इन एडिशन टू दैट जो विटामिन सी है बेसिकली दोस्तों, इसमें ये इसे फायदे बहुत सारे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, और ओवरऑल प्रोटीन डाइजेशन में भी विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। अब पता, मैं हमेशा बात करता हूँ आपके इन्फ्लेमेशन की, कि जो कि आपको डिजीज के प्रोन बनाता है और आपको अनहेल्दी होने में पुश करता है। तो विटामिन सी बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट्स खाते हैं जो कि इन टाइप की चीज़ों में मिलते हैं और स्प्राउट्स में बहुत सारे होते हैं, तो आप ओवरऑल हेल्दी रहते हैं और आप जो कुछ अपना परस्यू करना चाहो आपके हेल्थ की परस्पेक्टिव से या फिजिक के परस्पेक्टिव से, तो आप अच्छे से कर सकते हो। अब इन दोनों में बेसिकली अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें आई गेस ये 150 ग्राम के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, आप इसको थोड़ा बम्प अप भी कर सकते हो 200-300 ग्राम के आसपास, तो उसे क्या होगा कैलोरीज बढ़ जाएंगी। इफ यू स्किनी लुकिंग टू पैक ऑन मसल, तो 150 ग्राम या 100 ग्राम बेसिकली आप स्प्राउट्स, ये मतलब दाल नहीं है, ये बेसिकली बने हुए स्प्राउट्स का वेट बता रहा हूँ, और आपने 200 ग्राम ये ले लिया। अब नेक्स्ट आइटम जो बताऊंगा आपको वो बेसिकली पीनट्स हैं। अब पीनट्स मेरे पास 30 ग्राम था आई गेस, लेकिन वीडियो शूट होते टाइम लग गया और मैं कुछ खा गया, मुझे भूख बहुत लग रही थी। तो एक अच्छा सोर्स प्रोटीन भी है खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए। अब एक चीज़ लोग बोलते हैं कि जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं दे नॉट लाइक गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, नॉट कंप्लीट प्रोटीन्स, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, टोटल 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि प्रोटीन कितना कंप्लीट है कितना नहीं है। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में नॉर्मली ये 9 के 9 प्रोटीन सोर्सेज या सॉरी 9 के 9 अमीनो एसिड जो है ये एक बारी में नहीं पाए जाते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मिक्स एंड मैच करते हैं वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन में। तो जो अमीनो एसिड्स मेरे पास पीनट्स से मिसिंग है वो बेसिकली मुझे स्प्राउट्स से मिल जाते हैं एंड वाइस वर्सा। तो अगर पीनट्स और स्प्राउट्स को मैं इकट्ठा खाता हूँ तो बिंगो मेरे पास एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, और कंप्लीट प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे और अच्छे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा इसमें, वो ये कि काफी सारे लोग मल्टी विटामिंस को एज अ सोर्स बोलते हैं फॉर नॉट ईटिंग देयर फ्रूट्स एंड वेजीज गाइस, लेकिन जितने लोगों को मैंने कोच किया आज तक आई हैवंट सीन कि बहुत डिफरेंस आया किसी की हेल्थ में मल्टीविटामिंस लेके, लेकिन इफ यू ईट योर फ्रूट्स एंड वेजीज ऑन अ पर्पस डैम आपकी हेल्थ कमाल की हो जाती है। तो ईट योर फ्रूट्स ईट योर वेजीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट आइटम मैं ले रहा हूँ वो बेसिकली है फ्लैक्स सीड्स का पाउडर है। अब मैं नॉर्मली जब फ्लैक्स सीड्स लेता हूँ वो सॉलिड फ्लैक्स सीड्स ही होते हैं और खुद उसका पाउडर बनाता हूँ। एक खास बात, आजकल मार्केट में फ्लैक्स सीड ऑयल भी आ रहा है, लेकिन आई वोंट रेकमेंड गाइस कि आप फ्लैक्स सीड ऑयल लें, उसका रीजन भी क्योंकि जो सबसे एक बड़ी प्रॉपर्टी है आपके फ्लैक्स सीड्स की वो है इसका फाइबर कंटेंट। लेकिन अगर आप इसका तेल बना दोगे तो यू गॉट इट राइट, फाइबर तो सारा निकल ही गया। तो इसलिए नेवर टेक फ्लैक्स सीड ऑयल, वो बेकार चीज़ है। आप हमेशा फ्लैक्स सीड्स को लो, उनको खुद ग्राउंड करो, तो मार्केट से इसका पाउडर भी मत लो,
उसको सॉलिड लीजिए, घर पे खुद ग्राउंड कीजिए, बहुत सिंपल है। तो अभी मेरे पास देखिए ये चीज हो गई, उसमें मैंने अपने ये डाल दिया मेलन। मेलन के बाद मैं इसमें जो पीनट्स हैं वो मिक्स कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लैक्सीड पाउडर है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसके अपने बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, कैलोरीज भी ऐड करता है, मतलब कि अगेन किसी का वेट गेनिंग गोल है, मसल बिल्डिंग गोल है, फैट लॉस गोल भी है, तो सब में अच्छा सपोर्ट करेगा। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, जब वो फैट लॉस डाइट्स पे जाते हैं तो उनको लगता है मसाले जो होते हैं वो आपको मोटा करते हैं, तो इसे सब मसाले खाना बंद कर देंगे। मतलब ये आएगी इससे बड़ी चीज या इससे बड़ी बकवास चीज मैंने सुनी नहीं होगी, क्योंकि मसाले जो हैं दोस्तों आपके हेल्थ के लिए कमाल के होते हैं, वो आपको मोटा नहीं करते, ज़्यादा आपको हेल्दी बनाते हैं। तो इसलिए अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला है, चाट मसाले को मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगा, वो बढ़िया टेस्ट आएगा। चाट मसाला कोई ऐसा नहीं कि बहुत कैलोरीज का है और आपको मोटा कर देगा, ये टेस्ट आएगा। दोस्तों कोई चीज टेस्टी है इसका मतलब ये नहीं वो अनहेल्दी है, वाइस वर्सा। चाट मसाला और बाकी जो मसाले होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं ना, हाई रिकमेंड कि आप अच्छे मसाले यूज कीजिए और रेगुलर बेस पे यूज कीजिए, इनके बहुत सारे फायदे हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस चीज मेरा पर्टिकुलर मील है इसका मैं कैलोरी कॉन्टेंट थोड़ा और बढ़ा दूं, तो बड़ा सिंपल ऑप्शन है जो मैं काफी यूज करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, आप इसको ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो ताकि आपको पता भी नहीं चले आप कोकोनट ऑयल खा रहे हो। अब कोकोनट ऑयल के फायदे बहुत सारे हैं दोस्तों, राइट फ्रॉम आपका हार्मोनल फंक्शन सपोर्ट करने से, आपको वर्कआउट के पहले एनर्जी देने से, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रखने से, तो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो आप इसको जरूर सोच सकते हो, अभी मुझे इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा, लेकिन कमाल का ऑप्शन है, ये भी कर सकते हो। अब मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए साथ में, तो ये देखिए बहुत सुंदर एक ड्रिंक दिख रही है जो इसके साथ में पीऊंगा। अब ये क्या चीज़ है, इसमें मैंने सिर्फ दो चीज़ें डाली हैं और मतलब कई बार मैं तीन भी डालता हूँ, और क्या क्या है इसमें, बीटरूट है। अब बीटरूट बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब क्या है इसका, मतलब आपका जो जिम में पंप आता है काफी, आपने देखा जो प्री वर्कआउट्स होते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, तो उससे क्या होता है ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए अच्छी चीज़ है। और मैंने इसमें अदरक भी डाला है, अब अदरक अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब काफी सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हेल्दी रखता है और ओवरऑल आपका जो भी गोल है आपका हेल्थ रिलेटेड है, फिजिक गोल, उनकी तरफ अच्छा पुश करेगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, आई गेस वी प्रीटी मच डन विद इट। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है, मतलब इट्स वेरी फ्रेश, वेरी डिलीशियस, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन जस्ट सी इट। अब देखो दिस इज व्हाट इट इज। तो बिफोर एंडिंग द वीडियो में एक बात बोलना चाहूंगा, वो ये कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो नॉन वेज को लोगों को बुरा बोलते हैं, वाइस वर्सा लड़ते रहते हैं कि नॉन वेज ज्यादा बेटर है या वेज ज्यादा बेटर है, लेकिन पता है आप किसी एक कैंप को नहीं पकड़ सकते। मतलब अगर आप लोग अंडे खाने वाले हो, रोज नॉनवेज खाते हो, आई स्टिल रिकमेंड कि आप बेसिकली स्प्राउट्स को अपनी डाइट में डालें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स अच्छे जम के खाएं, कि जो चीजें ये देंगी वो नहीं देंगे, एंड वाइस वर्सा स्टिल। लाइक जो एग्स हैं, एग्स अगेन इज अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, में बहुत सारी चीजें हैं, तो दोनों कैंप्स के बहुत सारे फायदे हैं। एक कैंप को पकड़े मत बैठिए, हम पॉलिटिशियंस नहीं है, वी एक्चुअली वांट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ अवर फूड ताकि हम हेल्दी रहें, अच्छी लॉन्ग लाइव्स रहें और यू नो जिम में अच्छा खुश कर सकें। तो इसलिए गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स और हैव योर फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स सीड्स, ये आपको बहुत ही हेल्दी रखेंगे। सो गाइज आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन